और उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन ऐसा है, अगर राइट टू फूड का अगर हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें सबसे पहले रेशन मतलब PDS के मतलब जो फूड सिक्योरिटी की जो बेनिफिशियरीज है उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसकी लिस्ट जो है वो PDS पोर्टल ऑफ इंडिया के ऊपर अपलोड करनी चाहिए। उसके ऊपर किसी के ऑब्जेक्शंस हो तो उसके ऑब्जेक्शंस का जो जो प्रोसीजर है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बाद में जो फाइनल लिस्ट बनेगी उन सब लाभार्थियों को, उन सब बेनिफिशियरीज को हम ऐसा कहते हैं कि आप कैश सब्सिडी शुरू कर दो। अगर मार्केट में अनाज उपलब्ध है, फूड अवेलेबल है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो भी जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसकी जो कैश अमाउंट है उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र कर दी तो हर एक जो बेनिफिशियरी है वो मार्केट में जाकर वो अनाज खरीदी कर सकता है और इससे करप्शन बंद हो जाएगा और बेनिफिशियरीज के हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ऐसी सिस्टम चलेगी तो ना अनाज मिलेगा, ना बाल मृत्यु दर कम होगी, ना हमारे यहाँ का कुपोषण कम होने वाला है, ना करप्शन कम होने वाला है। और ये जो राजनीति वाले जो लोग हैं वही इसमें इन्वॉल्व है और इनकी जो गंदी राजनीति है वो चालू ही रहेगी। तो जैसे आप अगर बता सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर महाराष्ट्र स्पेसिफिक ऐसी कोई इंक्वायरी या कोई कमीशन ऐसी बैठाई है या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया है जिसने कभी अध्ययन किया हो कि एक्चुअली में इसका ग्राउंड में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या उन्होंने कोई स्टेट को सुझाव दिया, ऐसा कोई आज तक कोशिश की गई है? स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा तो कोई कमीशन अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट किया है इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, समाज से क्या रिकमेंडेशन आते हैं इसके लिए। तो हम अभी महाराष्ट्र में गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे कि आप बेनिफिशियरी हो, आपको अगर अनाज नहीं मिलता है तो आप कैश सब्सिडी के लिए डिमांड करो। अभी हम उसके ऊपर मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं, हम गांव-गांव में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में उसके डिमांड एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, उसके साथ आधार कार्ड, उसके साथ बैंक पासबुक की जेरोक्स ये सब जोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। AEPDS पोर्टल ऑफ इंडिया जो है उसको हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम एक मानते हैं कि अगर कैश सब्सिडी उसकी अगर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो बेनिफिशियरीज को कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप गांव-गांव में जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रही है कि अगर गांव में जैसे जो लोग हैं जो इंटाइटल्ड बेनिफिशियरी हैं अगर उनको वो नहीं उनको इंटाइटलमेंट मिल रही तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या किस किस को जाके कंप्लेंट कर रहे हैं और अगर वो कंप्लेंट कर भी रहे हैं क्या उसका कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म सही से काम कर पा रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो PUCIL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें कुछ गाइडलाइंस दी है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, और अगर कोई इंटाइटल बेनिफिशियरी है और वो एक्सक्लूडेड है तो उसने तहसील ऑफिस में मतलब जो तालुका का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके पास एप्लीकेशन करना है, वो उसके ऊपर हेयरिंग करेगा और अगर वो एलिजिबल हो तो उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई इनएलिजिबल आदमी या कोई फैमिली उसमें इंक्लूड की हुई होगी तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस करने के प्रावधान उसमें हैं, लेकिन अभी तक जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके ऊपर कुछ एक्शंस अभी तक मुझे लिए हैं गवर्नमेंट ने या किसी अधिकारी ने, ये तो मुझे मेरे नज़र में नहीं आया है। तो अगर इसको अच्छी तरीके से अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर उसके लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर बेनिफिशियरीज के लिस्ट ही पब्लिश ना की जाएगी तो बेनिफिशियरीज को कैसे पता चलेगा कि एलिजिबल आया है और नहीं आया है, वो लिस्ट में कौन है यही पता नहीं है हमें, यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। तो हमने RTI के तहत ये बेनिफिशियरीज के लिस्ट ली है, उसमें भी हमें बहुत परेशानी हो रही है और वो भी हम संघर्ष करके ये गवर्नमेंट से ले रहे हैं और इसका पब्लिकेशन हम डिस्ट्रिक्ट वाइज गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि RTI आपने लिस्ट ली, अगर आप बता सकते हैं कि आपने कितनी RTI कितने एरिया में डाली और आपको कितनी लिस्ट मिली उसका थोड़ा सा बता सकते हैं? और देखिए मैंने मेरे RTI में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या? देखिए RTI में मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि मैंने जब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास इसकी डिमांड की थी तब 2 साल मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने ये हर एक तालुका में शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमें अनाज नहीं मिलता है, रेशन दुकानदार अनाज धान्य नहीं देता है। तब हमने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन 2016 में की थी कि हमें विलेज वाइज बीट डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल्स, फूड सिक्योरिटी के बेनिफिशियरी जो है उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। तब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने हमारा जो एप्लीकेशन था वो तालुका सप्लाई ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया और उनको बोल दिया, वो लेटर में बोल दिया था कि इनको परस्पर माहिती जो है
जो मतलब इंडिविजुअल जो मैं आऊँगा जब तहसील में, तब उन मेरे हाथ में वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो एक्चुअली मैं जब तहसील ऑफिस में गया तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने उपलब्ध करके नहीं दी। उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे पास उपलब्धि नहीं है, ताकि फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये प्रावधान है कि हर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका पब्लिकेशन हर डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी होनी चाहिए, स्टेट की वेबसाइट पूरे स्टेट की लिस्ट होनी चाहिए, सेंट्रल के वेबसाइट पे पूरे देश की लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी मुझे बीड डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है वो मिल रही है, कुछ गाँवों की मिली है, कुछ गाँवों की बाकी है, तो उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्रशासन उसमें कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट की है कि हाँ ऐसे पब्लिकेशन लिस्ट आपने करना चाहिए। रामविलास पासवान जी को भी मैंने इस बारे में कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिएक्शंस मुझे दिखाई नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं पूरे देश के युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूँ कि राइट टू फूड इज़ आवर फंडामेंटल राइट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की वजह से, जजमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट बनानी पड़ी। उसका अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो देश में जो कुपोषण जैसी समस्या है, बाल मृत्यु दर का जो प्रमाण है, माता मृत्यु दरों का जो प्रमाण है, वो कम होगा। अगर हमें सशक्त भारत और नया भारत बनाना होगा तो पहले जो फंडामेंटल नीड्स जो है वो हमारे देश की कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए फूड सिक्योरिटी बिल हो, राइट टू एजुकेशन हो, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये जो हम मूवमेंट चला रहे हैं उसमें आप सभी ने पार्टिसिपेशन करना चाहिए, और हम जैसे जो युवा है इनको पूरे मीडिया ने इसको साथ देना चाहिए, यही मैं अपील करूँगा।